मुझे एकदम साथ लेके जाएंगे, ठीक है। दो बच्चों का कहानी, एक बच्चा एक गांव में दो बच्चे आए थे, एक बच्चा 6 साल का और एक बच्चा 10 साल का। एक गांव में दो बच्चे रहते थे, एक बच्चा का उम्र 10 साल और एक बच्चे की उम्र 6 साल। दोनों एकदम अच्छा एक साथ खेलते थे, एक साथ रहना, खाना पीना, इधर उधर जाना, ये बहुत सारे चीज होते थे। एक साथ खाना पीना, एक साथ घूमना फिरना, एक साथ नहाना धोना, नहीं धोना खाता हो गया, एक साथ रहते थे। मतलब सोने पिक्चर देखे ना जय हिंदू वाला, उस तरीके से लोग का दोनों का दोस्ती था। जय हिंदू वाला अच्छा खासा दोस्ती था। एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते, ध्यान से सुनिएगा ना, खेलते खेलते गांव से दूर चले, और खेलते खेलते उसी दौरान जो 10 साल का बच्चा था वो कुएं में जाकर के गिर गया। अब वो बच्चा को तैरने नहीं आता। अब वो बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तब वो छोटा जो बच्चा था 6 साल का, वो देखता है एकदम पूरा छानबीन करता है, दूर दूर तक कोई एक इंसान भी नहीं दिखता। फिर वो देख रहा है कैसे बचाओ कैसे बचाओ। अचानक उसका नजर एक बाल्टी पे पड़ा जो रस्सी से बंधी हुई थी। फिर तुरंत क्या किया, वो बाल्टी को फेंके और उनको बोले जल्दी बाल्टी को पकड़ो। फिर वो बच्चा एकदम लग गया खींचने में, चलो चलो आ जाओ, एकदम ताकत लगा दिया, फुल ताकत लगा दिया। वो 6 साल का बच्चा वो 10 साल के बच्चों को बचाने के लिए फुल ताकत लगा एकदम लगा दिया, और अंत में ऐसा हुआ कि वो जो बच्चा था ना बाहर गया। अब वो लोग एकदम गले मिल रहे हैं, रो भी रहे हैं, हाँ एकदम खुशी का माहौल भी है, एकदम गले मिल रहा है। लेकिन एक डर थी, डर क्या था कि घर जाएंगे, घर में बताएंगे तो हमारा पिटाई होगा, ये डर था। फिर भी वो लोग गए, उसके बाद अपने मम्मी पापा को बताया, गांव वालों को बताया, पापा जी ऐसा ऐसा बात है, खेलते खेलते ऐसा ऐसा हो गया, बताया। अब जब बताया तो लोग विश्वास नहीं किया। क्या विश्वास नहीं किया कि वो 6 साल का बच्चा जो एक बाल्टी पानी को उठा नहीं सकता है, वो 10 साल के बच्चे को जो कुएं से कैसे ऊपर खींच के ला देंगे, ये तो इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो कोई लोग एकदम सुन ही रहते, कई लोग विश्वास ही नहीं करते। तब उसी गांव वाले में जितने भी लोग थे ना, उसी में एक चाचा जी थे जिनका नाम था रहीम चाचा। तो वो बोलते हैं, सब लोग बोल रहे थे विश्वास नहीं है ना, ये नहीं ये सब वैसा वैसा, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कुछ देर बाद रहीम चाचा बोलते हैं इन्हें ये सही, और रहीम चाचा ये थे कि गांव में जितने भी लोग थे ना उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे और सबसे समझदार व्यक्ति थे, और लोग सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर बिलीव करते थे। लेकिन वही कुछ देर बाद बोलता है कि नहीं ये बच्चे बोल रहे सही चीज बोल रहे हैं। फिर गांव वाले शौक हो गए, चाचा कैसे बोल रहे हैं, सठिया गए नहीं थे, 6 साल का बच्चा कैसे 10 साल के बच्चे को खींच ले आएंगे। फिर भी उनके ऊपर बिलीव था, तो उन लोग सोचे गांव वाले नहीं चाचा जी बोल रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा, तो चल उस कारण को जानते हैं। तब वो काम क्या किए, वो चाचा के पास गए और चाचा को पूछा, चाचा इन लोग बोल रहे हैं बच्चे लोग ऐसा ऐसा बात है, 6 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे को खींच ले तुम्हें से। तो चाचा बोलते सही तो बोल रहे बच्चा, सही तो हुआ रहा बच्चा, जो हुआ उसी को बता रहे हैं, सही तो इसमें क्या गलत वाली बात है। नहीं फिर भी चाचा ऐसे कैसे, तो बात ये थी कि वो जो चाचा फिर थोड़ी देर मुस्कुराए, उसके बाद वो बोलते हैं
बात ये नहीं है कि कैसा होगा, बात ये है कि वो छोटे बच्चे ने क्यों किया, कैसा हुआ पता चल गया, लेकिन वो क्यों किया ये जानना बहुत जरूरी है। और जिसको जान गए तो लाइफ चेंज है। जानना चाहते हो क्या? यस सर। बहुत बड़ा सीक्रेट पॉइंट है, जानना चाहेंगे? यस सर। तो बात ये थी कि क्यों किया, जब वो बच्चा 6 साल का बच्चा जब 10 साल के बच्चे को बाल्टी से जब खींच रहा था, तो उस समय उस जगह में उसके आसपास वो 6 साल को 6 साल के बच्चे को बोलने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि ये बोल सके तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। यही कहानी का नहीं सर। यस सर। यस सर। यही होता है हमारे समाज में कि जब हम आगे बढ़ने का सोचते हैं ना, हमको ना हमेशा डिमोटिवेट करने वाले, हमेशा टांग खींचने वाले, पैर खींचने वाले एकदम ज्यादा मिलेंगे आपको। इस जगह में अगर मैं आगे बोल रहा हूँ, बाकी लोग आगे बोल रहा है, 100% आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह में आपके फैमिली वाले, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी आपको बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है, करते रहना, करते रहना, करते रहना। बच्चा का मेन संगीत था, और कोई भी था बोलने वाला ये नहीं कर सकता, बस अपने धूम में लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो गया। तो उसी प्रकार के दोस्तों इस बिजनेस में आपको ना रोकने को पहले बहुत लोग हैं, बट उनसे अपना दूर हटते हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं। अपने कान को ना बंद करके चलना पड़ेगा, कान देखा सफलता से। समझ आया? यस सर।